नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक और नया अपडेट लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेके, इसके एग्जाम डेट को लेके। और इस वीडियो में मैं आपसे दो तीन इन्फॉर्मेशन और भी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं पर भी मिस मत करना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, नई जो क्लासेज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उनके बारे में भी यहाँ पर आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। क्लासेज जैसे कि मैं आपके राजस्थान का जो जीके है वो टॉपिक वाइज जल्दी लाने वाला हूँ, और साथ ही साथ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और पटवारी के लिए मॉडल टेस्ट पेपर जल्दी जल्द लाने वाला हूँ। तो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं आगे बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो में आप ये सुन लीजिए कि जल्दी लाने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस टाइप से और किस हिसाब से वीडियो चाहिए। अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट के बारे में यहाँ पर एक नया अपडेट निकल के आया है। जैसा कि पहले न्यूज़ चल रही थी कि सितंबर अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अब जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि आपके नवंबर स्टार्टिंग तक एग्ज़ाम हो सकता है। अब आप ये कहोगे कि पहले तो आपने अक्टूबर कहा था या सितंबर कहा था, तो ये लेट क्यों आता? तो देखिए, जब मैंने आपको सितंबर अक्टूबर कहा था तब ये भी साथ में कहा था कि ये जो लेट हो रहा है सिर्फ कोरोना की वजह से लेट हो रहा है, और कोरोना जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इसमें एग्ज़ाम में डिले होता रहेगा, और वही इस बार हुआ है। इसका जो रीज़न बताया जा रहा है डिले होने का, वो भी यही बताया जा रहा है। पूरी न्यूज़ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि PHQ नवंबर में करा सकता है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, 17 लाख अभ्यर्थियों को है इंतज़ार। आपको बताइए कि जिसके फॉर्म भरे गए वो 17 लाख आवेदन है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि तैयारी यहाँ पे पूरी कर ली गई है, लगभग 7000 से ज़्यादा परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। टोटल बता दिए गए हैं यहाँ पर कि 9000 परीक्षा सेंटर यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। तो अब मुख्यालय की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है वो ये कह रहा है कि नवंबर तक आपके यहाँ पर एग्ज़ाम कराया जा सकता है। और मुख्यालय की तरफ से जो न्यूज़ ये भी है कि इन्होंने भर्ती प्रक्रिया की जो तैयारी है वो पूरी कर ली है, जो आपके एग्ज़ाम सेंटर कराने वाली एजेंसी है उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया गया है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आ रही है कि राजस्थान सरकार इसकी अभी अनुमति नहीं दे रहा है। ये आपको इसी के अंदर न्यूज़ में देखने को मिलेगा। फिर से देख लीजिए ये वाली न्यूज़, मैं आपको बता देता हूँ। जो बीच वाला ब्लॉक है इसमें देखिए, ऐसे में राज्य सरकार की ओर से अनुमति मिलते ही मुख्यालय परीक्षा आयोजित करवा लेगा, ऑफलाइन आपकी परीक्षा होगी, और जो एजेंसी है जो आपके एग्ज़ाम करवाएगी उसे भी यहाँ पे हायर कर लिया गया है, यानी कि उसे भी सिलेक्ट कर लिया गया है, और वो वही सारी आपकी वे तैयारी वगैरह वहाँ पे देखेगा, व्यवस्था देखेगा। और भर्ती परीक्षा वो है 2 दिन में 4 चरणों में ऑफलाइन करवाई जाएगी। तो परीक्षा सेंटर आपके बढ़ा दिए गए हैं, पहले जितने थे उनसे लगभग 1.5 गुना कर दिए गए हैं परीक्षा सेंटर। और यही सभी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, और मैंने आपको बताई थी कि जो परीक्षा सेंटर है वो बढ़ा दिए गए हैं और एग्ज़ाम नवंबर तक होने की उम्मीद है। और अभी भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता जाएगा, अब आप यह कहोगे दूसरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं क्या, कोरोना का प्रकोप वहाँ पे नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन जो एग्ज़ाम्स अभी तक हुए हैं वो सिर्फ वो एग्ज़ाम्स हुए जिनमें कैंडिडेट बहुत कम हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आराम से वहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर 17 लाख अभ्यर्थी है, 2 दिन में कराना है 4 पारियों के अंदर, यानी कि 2-2 शिफ्ट होगी आपकी पर डे के अंदर। तो ये है, और इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि राजस्थान सरकार की तरफ से अभी अनुमति नहीं मिल रही है। तो राजस्थान सरकार अगर अनुमति देता है तो पुलिस मुख्यालय एकदम तैयार बैठा है आपके एग्ज़ाम करवाने को। यही न्यूज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी और अभी भी यही चीज़ कह रहा हूँ कि जो लेट हो रहा है आपका एग्ज़ाम सिर्फ कोरोना की वजह से लेट हो रहा है, बाकी भर्ती प्रक्रिया पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से पूरी कर ली गई है। ये बार बार यही बताते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से आपकी जो तैयारियाँ हैं वो पहले कर चुके हैं, लॉकडाउन से पहले भी आपकी हो चुकी थी, उस टाइम तो आपका एग्ज़ाम मंथ भी बता दिया गया था, और तैयारियां पहले से पूरी है दोस्तों। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि तैयारियां इनकी पहले से है, जिस भी दिन इनको ऐसा लगेगा कि हाँ अब एग्ज़ाम आपको कंडक्ट करवाया जा सकता है, अब जो तैयारियां हैं या जो कोरोना का प्रकोप है वो थोड़ा कम हुआ है, तो उस दिन आपकी एग्ज़ाम डेट जारी कर देगा। तो अब थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। आप यही कहोगे कि सर भी हर बार नया वीडियो लाते हैं, नई एग्ज़ाम डेट लाते हैं, तो देखिए ये सिंपल सी बात है, ये आप भी समझते हो कि कोरोना की वजह से ही लेट हो रहा है और कोई इसका अदर रीज़न नहीं है। और ये चीज़ आप सभी समझते हो कि इतना है सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम करवाना और इस कोरोना के कंडीशन में थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। थोड़ा अगर इसमें ब्रेक लगता है, कोरोना में थोड़ा सा भी अगर ब्रेक लगता है तो राजस्थान सरकार अनुमति दे देगा, और जैसे ही अनुमति मिल जाएगी पुलिस हेडक्वार्टर इसके एग्ज़ाम करवा लेगा। और कोई और दिक्कत की है आपको, कोई भी दिक्कत है या एग्ज़ाम के बारे में कोई भी दिक्कत या कोई भी आपका डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वहाँ पे आपके पूरे डिटेल देख लिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है मैं आपका क्लियर कर दूंगा। क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताई दिया, क्लासेस आपकी राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज आने वाली है जल्दी, और बहुत अच्छी क्लास लाऊंगा। ऐसा नहीं है कि 10-20 क्वेश्चन या 40-50 क्वेश्चन की क्लास होगी, वैसे नहीं होगी। बड़ा टॉपिक होगा, 400-500 क्वेश्चन का एक वीडियो दूंगा, बहुत अच्छा होगा, पूरा टॉपिक आपका क्लियर होगा। छोटा टॉपिक होगा उसके 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो अच्छा वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ क्लासेज है, सभी फ्री क्लासेज है, और बेल आइकन को क्लिक करके रख लेना। साथ ही साथ राजस्थान की करंट अफेयर्स आपकी चल रही है, डेली मॉर्निंग में आपको मिल जाती है राजस्थान की करंट अफेयर्स, वो भी देखिए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए राजस्थान के। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताई दिया राजस्थान पुलिस और पटवारी, इनके लिए जल्दी मॉडल टेस्ट पेपर फिर से शुरू करने वाला हूँ। वैसे तो मॉडल टेस्ट पेपर मैंने काफ़ी दिए इनके, वो आपको चैनल पर मिलेंगे, आप जाके जरूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक यहाँ पे मैं दे दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करूँगा कि ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और कोई आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।